नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। डीएम के प्रयास से टीकाकरण में जनपद ने लगाई 15 रैंक की छलांग। हफ्ते दिन पहले 75वें पर था जिला, अब 60वें पर पहुंचा। डांट फटकार संग दुलार का दिखा सकारात्मक परिणाम। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया जहां नवागत जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के आने के बाद जिले में कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति में अचानक तेजी देखने को मिली है। उन्होंने जिले को 75वें रैंक से 60वें पर ला दिया है। इस प्रकार जिले में 15 रैंक की छलांग लगा दी है। यह प्रगति और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस स्वास्थ्य विभाग की प्रगति को तमाम तेज तर्रार अफसर नहीं सुधार पाए, नवागत डीएम ने हफ्ते में दिन में बेहतर करके दिखा दिया। जिलाधिकारी ने जब कारोबार ग्रहण किया तब यहां 10 से 20,000 तक टीकाकरण रोज होता था, लेकिन आज की तिथि में 1,00,000 से अधिक टीके रोज लग रहे हैं। व्यवहारिक तौर पर कहा जाए तो यह डांट फटकार ही नहीं बल्कि अच्छे कार्य पर दुलार और प्रोत्साहित करने का सकारात्मक परिणाम है। स्वास्थ्य विभाग से मिले 14 जनवरी तक के आंकड़े के अनुसार 90% लोगों ने टीके की पहली डोज, 58% लोग दूसरी डोज ले चुके हैं। वहीं 15 से 18 वर्ष के 58% से अधिक किशोरों को अब तक टीका लगाया जा चुका है, जिसमें जनपद की 6वीं रैंक है। मैं जनपद वासियों को इस बात के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 7 तारीख से आज 18 तारीख के मध्य में जनपद बलिया वैक्सीनेशन में 75वें स्थान से उठकर नीचे से 18वें स्थान पर आ गया है, 15वें स्थान पर आ गया है। अर्थात हमने 14 जनपदों को पीछे छोड़ा है और जिन जनपदों को हमने पीछे छोड़ा है उनकी उपलब्धि बहुत ज़्यादा थी। आज की डेट में 90.15% अर्थात 90% लोग यहाँ के वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जबकि 7 तारीख के आसपास यह आंकड़ा 70% का था। तो 10 दिवस में 30% का उछाल जनपदवासियों ने लिया है। ये आप लोगों के सहयोग से हो पाया है। मैं विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी अपील पर उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए अपने अपने संचार माध्यम का इस्तेमाल किया है, उन्होंने स्पेस दिया है न्यूज़ में। मैं प्रधान भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने लोगों को मोबिलाइज करने में बड़ा योगदान किया है और विकास खंड और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इस बीच बहुत मेहनत की है और अभी भी वो ये मेहनत कर रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य है कि 25 जनवरी जिस दिन मतदाता दिवस होगा या 26 जनवरी जिस दिन हम गणतंत्र दिवस का परेड मना रहे होंगे, उस दिन बलिया जनपद को हम कोविड वैक्सीनेशन के लिए टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऊपर के 10 जनपदों में शामिल होते देखना चाहते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आपके द्वारा चलाए गए इस आंदोलन से और मिल रहे जन सहयोग से हम इस मिथक को तोड़ पाएंगे कि हर पैमाने पे बलिया नीचे है। हम बलिया को शीर्ष 10 जनपदों में 26 जनवरी को तक जरूर शामिल करने में सफल होंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है आप सभी को। और एक बार मैं पुनः जनपदवासियों को और विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसको एक जन आंदोलन बनाने में अपनी महती भूमिका अदा की है। बहुत बहुत धन्यवाद।